शर्जील साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मेरी पहली खबर साइक्लोन पर थी, तो जरा पहला सवाल मैं साइक्लोन पर आपसे कर लूँ, पे मेयरशिप पे बात करते हैं, क्या इकदाम कर रही है हुकूमत साइक्लोन के हवाले से? शुक्रिया। देखिए सिंध हुकूमत गए मोहम्मद गए मुकम्मल तौर पर विजिलेंट है और इस वक्त कराची खट्टा सुजावल केटी बंदर मदीन इन सारे इलाकों में जो जहां जहां पे खतरात हैं वहां पे इंतजामिया अलर्ट है। इस वक्त भी जो के 27,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और मजीद लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पूरी प्रायोरिटी है कि 100% रेस्क्यू है। हमारी ये उम्मीद ये है कि जी आज रात तक जो है वो रेस्क्यू का अमल कम्प्लीट करेगा। टोटल में 47,000 लोग जो है उनको रेस्क्यू करना है हमें वहां से। कुछ लोग खुद अपने मरीज भी वहां से नकल मकानी करके गए हैं और बाकी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है और मुख्य जगहों पर इमदादी कैंप कायम किए गए गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानक से जहाँ पे लोगों को सारी सहूलियात दी जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध कम्प्लीटली विजिलेंट है और कोशिश हो रही है कि जी सारा काम खैर खूबी से हो। चलें जबरदस्त। अच्छा शर्जील साहब, आप जरा हम मेयर वाले मामले पे आ जाते हैं, क्या नंबर गेम है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मेयर तो जियाला ही होगा, और वो कैसे होगा, कैसे पीपल्स पार्टी का मेयर बन सकता है? देखिए जी कि हमारे पास उस वक्त पोजिशन ये है कि पीपुल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई है और पीपुल्स पार्टी के नंबर पूरे हैं। जमात इस्लामी के नंबर पीपुल्स पार्टी से कम है। जमात इस्लामी डिपेंड करी थी पीटीआई के वोट्स पर और पीटीआई के लोगों ने कहा कि हम अपने वोट को आग लगा देंगे लेकिन जमात इस्लामी जैसी तंजीम को हम कभी भी वोट नहीं दे सकते। अच्छा लेकिन जमात इस्लामी तो अब अदालत चली गई है, इवन के सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है, वो कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी कर रहे हैं आप लोग कराची का। अब इस इल्जाम पर जमात इस्लामी के, क्या आप लोग भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे? देखिए जी मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी का काम सिर्फ अदालतों में कोर्ट कचहरियों में है, अगर अदबी एतबार से उन पर अपील है तो आए ऐवान में अपनी मेजोरिटी शो करें, बाकी ये अच्छा आप जैसे कि कॉन्फिडेंट भी हैं, नंबर्स भी पूरे हैं, मेयर आपका बनता है तो किस तरीके से काम होगा बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने के हवाले से कि मेयर भी बाख्तियार हो, वसाइल भी सारे हों, मसाइल भी सारे हल कर सकें, और ये काम किस तरह होगा, क्या प्लानिंग क्या है आप लोगों की? अभी भी पीपुल्स पार्टी जो है वो कराची समेत दिन भर में काम कर रही है। कराची में बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, केपुर का प्रोजेक्ट चल रहा है, दो रस्तों का प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बड़ा फाल है। मुकम्मल तौर पर हमारे यहाँ लोकल मिनिस्टर से नातों से शाह साहब वो दिन रात मेहनत करके डेवलपमेंट वर्क को पूरा खुद पूर्ति कर रहे हैं और आप देखें तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, इसी तरीके से वाटर बोर्ड टीएमसी सब डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के बाकी इदारे जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट कराची में चल रहे हैं, तो कराची तो हमेशा प्रायोरिटी पे, जो कराची की सबसे बड़ी एज है वो हेल्थ डिपार्टमेंट, इस पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ओपन चैलेंज है, सबसे ज्यादा बेस्ट और मुफ्त में हेल्थ सर्विसेज जो है वो सिंध हुकूमत अवेलेबल करके दे रही है हर एक के लिए। पंजाब के पी के बलस्तान से भी लोग इलाज के लिए कराची में आ रहे हैं, तो अलहमदुल्ला कराची को बहुत बड़ी एज है। कराची लगती है कि कराची को पाकिस्तान पार्टी की गवर्नमेंट मिली है जो उनके तमाम मसाइल को अमल पैरा है। आप देखेंगे पहले कराची में कचरे का मसला था, तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए जो इस वक्त कराची में हजारों टन कचरा उठाया जा रहा है, क्रेडिट पर्सन भी उसमें कुमक जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मरतबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।